जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू जी के जीएस ट्रिक में। मैं संदीप शर्मा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से मिशन एसएससी जीडी स्पेशल जीके लाया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आर पार 25 एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा फ्रेंड्स आपको उत्तर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हत्या से। 302 जो धारा है हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जगह अंडमान एवं निकोबार से सबसे निकट है, यानी इनमें से कौन सा जो है जो अंडमान और निकोबार से सबसे निकटतम है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है अंडमान और निकोबार से सबसे नज़दीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का प्रथम विमानवाहक जल सेना जहाज कौन सा था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस विक्रांत था, जो भारतीय सेना में सबसे पहला विमान जहाज था, आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कौन सी मंत्री थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। फ्रेंड्स, यहां पर डी होगा, यहां पर सी होगा, तो सूचना प्रसारण मंत्री थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 ईस्वी को कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। मैसूर का युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। हर्षवर्धन के काल में सबसे बड़ा मठ की स्थापना हुआ था नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था जो भारत रत्न से सम्मानित हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खान बहादुर खान, जो भारत रत्न से एकमात्र पाकिस्तानी थे जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, खान बहादुर गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिविल निम्न में से किससे संबंधित है, यानी किस खेल से ड्रिविल शब्द संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है ड्रिविल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागृह किस स्थल पर पाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो। विदुष सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार स्थान से प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस्पात का, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, यानी इनमें से किसका प्रयोग दर्पण बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है आपका दर्पण बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पद चिन्ह सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग के पद चिन्ह सभापति, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो परजीवी नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी जो है परजीवी नहीं है, जू परजीवी है, मच्छर परजीवी है और किलनी परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय कुल में हुआ था महावीर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH- का सूत्र है, यानी इनमें से किसका सूत्र है C2H5OH? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल का सूत्र है आपका C2H5OH होता है इथाइल एल्कोहल का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आकर भेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस रो था, जो जहांगीर के दरबार में आकर एक अंग्रेज जो भेंट किया था, सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली कार्बूजियर्स था एक प्रसिद्ध, यानी इनमें से क्या था ली कार्बूजियर्स? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु शिल्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धांसू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।